हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह आज किचन से ही आज ब्लॉग को मैंने शुरू किया है और अभी हो रहा है ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन। आज मनोजीत घर पे है, क्यों है थोड़ी देर में बता रही हूँ, तो इसलिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ थोड़ा लेट से ही और थोड़ा सिंपल ब्रेकफास्ट बना रही हूँ आज, जैसे ब्रेड को टोस्ट करके बटर लगा के और साथ में ऑमलेट बना के दे दूँगी, तो उससे हो जाएगा। मनोजीत को तो अंडा वैसे भी पसंद है, पापा को भी बहुत पसंद, इसलिए मैंने सोचा यही बना देती हूँ। आज थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट रखने का प्लान था, तो इसलिए मैंने यही सोचा कि यही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे एग को पोच कर ले ही हूँ, जस्ट थोड़ा सा नमक डाल के, और योक को मैं ऐसे थोड़ा तोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से पक जाए। पता नहीं आप लोगों में से बहुतों को शायद योक ऐसा ही इंटैक्ट अच्छा लगता होगा, पर मुझे ऐसा अच्छा लगता है। तो बस ये देखिए ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे हो, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। सो सुबह का ब्रेकफास्ट लेके अभी बैठी हूँ और वही एग पोच और ब्रेड पे बटर लगा दिया है बस, और साथ में चाय, यही है ब्रेकफास्ट। तो गर्मी आज बहुत है, पता नहीं, लंच में हल्का फुल्का ही कुछ बनाने का प्लान है, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ, उसके बाद आगे आगे देखा जाएगा क्या प्लान बनता है। मन तो करता है सिर्फ लिक्विड कुछ पीती रहूँ, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है अभी, इतना गर्मी है। तो बस ऐसे ही चल रहा है, ब्रेकफास्ट करती हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मनोजीत आज घर में ही है, उसका आँखों में कुछ हो गया है, एलर्जी वगैरह, इसलिए वो ऑफिस नहीं जा पाया। तो इधर पापा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इधर है मनोजीत, उसका आँख में थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी, ये देखिए पूरा फूल चुका है, तो बस ये दर्द लेके खा पी रहा है इधर। ब्रेकफास्ट करके जल्दी से मैं किचन में आ गई और लंच का प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आज सिंपल वाला लंच बनेगा, दाल मेनली बनेगा, दाल के साथ एक सब्ज़ी भाजी और साथ में ना मैं एक ड्राई फिश की चटनी बनाऊंगी, तो ये मुझे बहुत पसंद है, तो बहुत दिन बाद ये बन रहा है। तो दाल वैसे मैं मसूर की दाल बना रही हूँ और सिंपल सा प्याज का छौंक लगा के मसूर की दाल बनाऊँगी, पतला वाला। तो गर्मी में ना थोड़ा जितना पतला खाया जा सके ना उतना अच्छा रहता है, तो इसलिए हल्का पतला जो भी होगा वही मैं मेनू में रख रही हूँ। तो प्याज को छौंक लगा के, और दाल को मैंने पहले ही नमक डाल के बॉयल करके रखा था, तो बस दाल में थोड़ा सा हल्दी डाल के और उबाल लूँगी। तो ये पतली सी मसूर की दाल गर्मियों के टाइम में बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बस दाल मेरा बन गया है। दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी, तो इसके लिए थोड़ा सा कलौंजी को छौंक लगाया, उसके बाद मैं लंबा लंबा करके आलू काट के रखी थी उसको डाल दिया। आलू को हल्का सा मैं फ्राई करूँगी क्योंकि भिंडी ना जल्दी पकता है, इसलिए पहले आलू को हल्का सा फ्राई कर लिया, उसके बाद भिंडी को ऐसे लंबा लंबा काट के उसके साथ आलू के साथ डाल दिया, अच्छे से मिला दूँगी। अभी इसमें नमक और हल्दी डाल के थोड़ा सा मिक्स करूँगी, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल रही हूँ, और कोई मसाला नहीं डालूँगी मैं इसमें, और बस अच्छे से मिक्स करके कुछ देर पकाऊँगी, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए आलू और भिंडी तब तक। तो हल्का सा पक चुका है, ये देखिए कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है। इस टाइम में मैं टमेटोज़ डाल रही हूँ और बस अच्छे से मिला के ढक के ये सब्ज़ी बना के रेडी कर लूँगी दाल के साथ खाने के लिए, ये सब्ज़ी बनेगा। तो बस उसके बाद खाना वाना बन गया है, तो अभी मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। हर काम करने के बाद लास्ट में मैं किचन को पूरा क्लीन कर लेती हूँ, और दीदी आके बर्तन वगैरह धो के घर पोछ के चली गई है, तो ये काउंटर टॉप वगैरह क्लीन कर लूँगी ना, तो किचन का काम मेरा हो जाएगा। उसके बाद नहा लूँगी, खाना बनाते बनाते काफ़ी 12:30 बज चुका है, और ये देखिए किचन मेरा एकदम क्लीन हो चुका है। तो बस उसके बाद मैं नहा के आ गई और आके अभी थोड़ा सा पूजा कर ले रही हूँ, तो पूजा करके उसके बाद हम लोग लंच करने के लिए बैठ जाएंगे। तो लंच में ये देखिए आज दाल तो मैंने दिखाया ही था, साथ में आलू भाजी बनाया, भिंडी आलू की सब्ज़ी बनाया, और ये रेड कलर का है ये ड्राई फिश की चटनी। हे एवरीवन, तो अभी शाम का टाइम है, दोपहर का लंच वंच करके हम सब सो गए थे, तो अभी निकल रहे हैं, थोड़ा बाहर जा रहे हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत है, घर में अच्छा भी नहीं लग रहा है, और मम्मी पापा तो कुछ ही दिन है, नेक्स्ट वीक चले जाएंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा घूम लेते हैं। तो कहाँ जाएंगे, आसपास ही कहीं पे रहेंगे, ज़्यादा दूर तो जाएंगे नहीं क्योंकि एकदम शाम हो गया है, तो इसलिए तो थोड़ा रेडी हो चुके हैं, निकल रहे हैं, तो कहाँ जाते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। अभी आए हैं हम लोग एक्चुअली डी मार्ट, थोड़ा बहुत घर के पास ही है हमारे,
ये पीछे आप डीमार्ट देख सकते हो, थोड़ा सा दूर है घर से, तो बस यहाँ पे आए हैं, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, तो आसपास थोड़ा घूम रहे हैं अभी, उसके बाद डीमार्ट में जाएंगे शॉपिंग करने। तो चलिए आपको दिखाते हैं आसपास का एरिया कैसा है। डीमार्ट के पास का ये एरिया ना बहुत सुंदर है, बहुत प्लान्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी थोड़ा घुमा के दिखाऊं, तो इसलिए। और टहलने में भी अच्छा लग रहा था, हवा चल रहा था, शाम का टाइम है, गर्मी है तो हवा चल रहा है तो चलने में तो अच्छा लगता ही है, तो इसलिए मैंने मनोजीत को बोला कि चलो ये साइड थोड़ा घूमते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। यहाँ के रोड्स देखिए कितने सुंदर है, क्लीन है बहुत, तो बड़ा मज़ा आया शाम में ये जगह पे घूम के, और वही स्काई राइज बिल्डिंग्स सारे, तो अच्छा लगता है देखने में ये सब। तो बस थोड़ी देर हम लोग घूमे फिरे, उसके बाद एक चाय का स्टॉल था तो वहाँ पे आए थोड़ा चाय पीने के लिए, घूम घाम के थोड़ा थक चुके थे, तो चाय से थोड़ा एनर्जी वापस आ जाता है हम लोगों का, इसलिए सभी ने हम लोगों ने चाय ले लिया। तो बस ये देखिए चाय के साथ लिया बिस्किट, जो चाय में डुबो के खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है, तो ये देखिए मैं इसमें डिप करके इसका एंजॉय कर रही हूँ। तो उसके बाद हम लोग आ गए हैं डीमार्ट, और आज थोड़ा बहुत शॉपिंग करने का मन है इसलिए डीमार्ट आए हैं। तो बस डीमार्ट में आके हम सभी अपना अपना देखने लग जाते हैं, जिसको जो लेना है, मम्मी इधर अपना देख रही है क्या लेना है, मम्मी को पता नहीं तो वही मम्मी देख रही है कुछ कुछ, और इधर मनोजीत देखिए एक छोटा सा पोर्टेबल फ़ैन देख रहा है, उसको पता नहीं अचानक से ये लेने का मन कर गया तो ये वही सब देख रहा है, मम्मी इधर कप्स वगैरह देख रही है, तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मैंने भी अपना जो भी लेना था थोड़ा बहुत देख के शॉपिंग कर लिया आज, तो काफी मजा आया घूम के शॉपिंग करके। घूम के घर वापस आ चुके हैं, आने के बाद अभी जस्ट फ्रेश हुई हूँ, मुंह हाथ धो के आई हूँ, और बस सब लोग रेस्ट कर रहे हैं अपने अपने रूम में अभी, तो अच्छा खासा आज दिन बीता, और बाद में हम लोग डीमार्ट भी गए, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी किया, अच्छा लगा। वैसे मैं छोटा मोटा ही चीज़ खरीदा घर का, कुछ सामान वही सब ग्रॉसरी टाइप वो सब, और बस घूम घाम के आए चारों मिलके, तो काफ़ी अच्छा दिन बीता, और आशा करती हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, एंड कीप वॉचिंग बाई फोकल जिंदगी।